ये धनिया है, काली मिर्च है, मुझे लिट्टी चोखा मिला खाने के लिए। लड़कों को तो काम करना आना ही चाहिए किचन का। इस वक्त मैं हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज में, क्योंकि यहाँ चल रहा है यूनिवर्सिटी शेफ 2023 कॉम्पिटिशन, और मुझे खाना बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस कॉम्पिटिशन को अटेंड किया जाए और स्वाद लिया जाए जायके का। तो चलिए शुरू करते हैं इस कॉम्पिटिशन का सफ़र, और हम आपको दिखाएंगे इस कॉम्पिटिशन में क्या क्या है खास। ये है लौकी का कबाब। ये लौकी ये खाते ही आपके मुंह में घुलने वाला है और आपको पता नहीं लगेगा कि आपने क्या खाया है। अमरूद की चटनी के साथ है, तो आप इंजॉय करें। तो ये अमरूद की चटनी और लौकी का कबाब मैं ले रहा हूँ, और मैं बताता हूँ शेफ को कि मैं शेफ को कितना स्कोर देने वाला हूँ। लाइफ में फर्स्ट टाइम ये ट्राई किया है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। शेफ आपके हाथों में जादू है, सच में शेफ के हाथों में जादू है। यूनिवर्सिटी शेफ कॉम्पिटिशन 2023 में बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे हैं, जहाँ सजने संवरने के साथ खाने पीने के बहुत सारे आइटम्स मिल रहे हैं। तो चलिए मैं आपको ऐसे एक स्टॉल पे ले जाने वाला हूँ जो कि होम बेकर्स है, और वो एगलेस केक, कुकीज़ और बहुत सारे आइटम्स बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या वो बनाते हैं और क्या उनका प्रोसेस रहता है और क्या है खासियत उनके स्टॉल की। तो चलिए हम उस स्टॉल पे आ चुके हैं जहाँ पे आपको होममेड कुकीज़, केक्स और बहुत सारे आइटम्स मिलेंगी। चलिए बात करते हैं स्टॉल ओनर से कि क्या खास है इस स्टॉल पे। तो मैम, सबसे पहले तो आपका TV9 दिल्ली NCR में स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो मैम बताइए, आप स्टॉल पे क्या क्या खास है मैम? सर, वी आर वर्किंग एज अ होम बेकर विद द ब्रांड नेम ऑफ द बेकर्स रूम बाय सोनल। ओके। एंड वी आर वर्किंग फ्रॉम लास्ट 3 years, मेड होम, मतलब वी आर आवर बेकरी इज 100% एगलेस, नो प्रिजर्वेटिव्स, एवरीथिंग इज ऑर्डर बेस्ड। तो कुछ खास दिखाना चाहेंगे हमारे जो दर्शकों को, कुछ खास जो आपके स्टॉल पे है तो सबसे खास है? सर, ये हमारी असॉर्टेड चॉकलेट्स हैं, आप ये देख सकते हैं, असॉर्टेड चॉकलेट्स हैं। मैम क्या खास बात है चॉकलेट्स की? इसमें नो एसेंस है। ओके। हमने एक भी एसेंस नहीं डाला। ओके। अगर हम सारे फ्लेवर्स फिल करें हैं। ओके। दिस इज अ क्रैकल। ओके। दिस इज पान। ओके। दिस इज ट्रूफल। ओके। एंड दिस इज मिंट। ओके। इसमें कोई एसेंस का यूज नहीं करा। ओह वाओ। ब्राउनी पॉप्स 100% एगलेस एंड विद आटा, नो मैदा इज यूज्ड। आपके शॉप किधर है और किसी को लेना है परचेस? वी आर होम बेकर्स। ओके। वी आर ऑन इंस्टा विद द बेकर्स रूम बाय सोनल। मैम क्या हमें टेस्ट कराने वाली है आप? सर आप जो मर्जी टेस्ट कीजिए, आपको जो बेस्ट आपको लगता है वही हम टेस्ट। ब्राउनी पॉप टेस्ट कीजिए। ये 100% व्हीट से बना हुआ है, प्योर डार्क चॉकलेट है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो मच। ये देख सकते हैं कि पहले राउंड के लिए जो फ्यूचर शेफ है हमारे, वो अपने लिए सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं, एक फन राउंड है। हेलो TV9 दिल्ली NCR में आप लोगों का स्वागत है। तो आपने क्या बनाया फर्स्ट राउंड के लिए, आप लोगों ने क्या प्रिपेयर किया है? हम लोगों ने एक वेजिटेबल सैंडविच बनाया है। ओके। चिपोटले एंड मस्टर्ड मेयो के साथ। ओके ओके। एंड वी हैव मेड अ नाचो सैलेड। आपका नाम? सिद्धार्थ। आपने क्या बनाया फर्स्ट राउंड के लिए? सर, वी आर मेकिंग, दिस इज द फन राउंड बेसिकली, सो वी हैव प्रिपेयर्ड दिस नाचोस। ओके, नाचोस। क्या नाम दिया आपने इन्हें? दिस इज जस्ट नाचोस रेसिपी, वी कैन कॉल इट अ स्नैक, इट्स अ लाइट स्नैक। लाइट स्नैक एंड न्यूट्रिशन आल्सो। कोई नामकरण नहीं किया आपने इसका? तो हम एक और फ्यूचर शेफ के पास आ चुके हैं, जानते हैं उनसे कि फर्स्ट राउंड के उन्होंने क्या तैयारी की है। सबसे पहले आप दोनों अपना नाम बताएं। प्रियांशी और आयुष। तो बताइए अपने अपने डिश के बारे में, आपने क्या बनाया फर्स्ट राउंड के लिए? वी हैव मेड अ नाचोस प्लेटर। ओके। वेरी बेसिक इंग्रेडिएंट्स लाइक अनियन, कैप्सिकम, लेमन एंड टोमेटो, उससे वी हैव मेड अ ड्रेसिंग एंड वी हैव सर्विंग इट विद द सॉसेस। तो चलिए हम कुछ और शेफ से बात करते हैं कि उन्होंने क्या बनाया है फर्स्ट राउंड के लिए। आपका नाम? मेरा नाम ईशा है। ओके ईशा, आपने अच्छा, आप दोनों ने मिलकर क्या बनाया है सर? सैंडविच बनाया आपने। जूरी मेंबर बड़ी बारीकी से सभी शेफ के खाने की जांच कर रहे हैं, वो टेस्ट कर रहे हैं कि किसका खाना कैसा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जूरी मेंबर किसी भी खाने को टेस्ट करके मार्क्स देते हैं।
मैम क्या खास देखने को मिल रहा है इस बार? खास देखने को ये मिल रहा है कि डिफरेंट काफ़ी अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं बच्चों ने, और जो भजिए बने हैं वो भी थोड़े डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जो भाजी बनी है वो भी थोड़ी डिफरेंट है। अभी हम हैं इडियप्पम स्टॉल के आगे, तो हम जानते हैं इनके किचन में क्या बन रहा है कंपटीशन के लिए। क्या बना रही है आप? मैं पंजाबी फूड सरसों का साग, मक्के की रोटी और स्वीट डिश में फिरनी बना रही हूँ, और स्टफ बैंगन, और स्टार्टर में बना रही हूँ वेज लॉलीपॉप। जो अगला स्टॉल है वो है लिट्टी चोखा नाम से, तो जानते हैं कि इनके किचन में क्या बन रहा है। राजस्थानी क्विजीन बना रहे हैं जिसमें हमारा स्टार्टर है पिठोरे, और हमारा राजस्थानी डिश है पूड़ियाँ, मिलेट्स की पूड़ियाँ और बैगन की और मूली की सब्जी, और हमारी मिठाई है रागी की बर्फी। अभी हम हैं एवोकाडो के स्टॉल पर, तो जानते हैं उनके किचन में क्या बन रहा है। एक्चुअली इन द फन राउंड वी हैड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट वी वेंट विद बेसिक प्लेटो ऑफ नाचोस, एंड दिस क्वसीन इज गोइंग टू बी इट्स ऑल अबाउट कश्मीरी क्वसीन, इट्स नेम इज तुकु, इट इज़ अ स्वीट डिश। अभी हम पहुंच चुके हैं तोफू के स्टॉल पे, तो जानते हैं कि इनके किचन में क्या बन रहा है। अभी हम लोग केक बना रहे हैं, माइक्रोवेव केक। आप क्या बना रहे हैं? सर मैं अभी बेजल पेस्ता बना रहा हूँ फॉर द पास्ता। अभी हम हैं बफूरी स्टॉल के आगे, तो हम जानते हैं कि इनके किचन में कंपटीशन के लिए क्या बन रहा है। मैं बना रही थी हरा भरा कबाब। अभी हम हैं पूरनपल्ली स्टॉल के आगे, तो जानते हैं कि उनके किचन में क्या बन रहा है। वी आर मेकिंग टोमेटो रसम। जूरी मेंबर बड़ी बारीकी से सभी शेफ के खाने की जांच कर रहे हैं, वो टेस्ट कर रहे हैं कि किसका खाना कैसा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जूरी मेंबर किसी भी खाने को टेस्ट करके मार्क्स देते हैं। यूनिवर्सिटी शेफ 2023 अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है, और जितने भी शेफ है वो बारी बारी करके जूरी मेंबर के पास जा रहे हैं और अपना खाना टेस्ट करा रहे हैं। अब देखते हैं कि जूरी मेंबर को किसका खाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इस वक्त हम श्यामलाल कॉलेज में, और अभी जो मास्टर शेफ जो यूनिवर्सिटी शेफ है उस कंपटीशन में हमें कुछ स्टूडेंट्स मिले हैं, तो उनसे बात करते हैं। हमारा ये लाइक आफ्टर लॉकडाउन बहुत टाइम के बाद श्यामलाल कॉलेज ने री इवेंट करा है यूनिवर्सिटी शेफ, तो हम लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, बट बहुत इनोवेटिव है। हमें बहुत सारे शेफ्स, न्यू शेफ्स जिनको हम यूट्यूब वीडियोज एंड ऑल पे देखते हैं, हम लोग को उनसे मिलने का मौका मिला। बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल रही हैं, कुकिंग हो रही है फर्स्ट टाइम लाइक हमारे ईयर में। हम लोग का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम था, 12th तक सुना था दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा है वैसा है, तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा डीयू में हम लोग का। चलिए TV9 से बात करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और बेस्ट ऑफ लक TV9 देते। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए कुछ शेफ से बात करते हैं जो अपने नंबर आने का वेट कर रहे हैं कि कब वो जाके जूरी मेंबर को अपना खाना टेस्ट कराएंगे और उन्हें मार्क्स मिलेगा, तो चलिए बात करते हैं। अभी मेरे साथ है शेफ अमूल्य जैन। अमन सहदेव, तो आप दोनों ये बताइए कि कैसी रही ये जर्नी? जर्नी काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी एक्सपीरियंस मिला, स्पेशली जो सरप्राइज राउंड था कल वो बहुत अच्छा था, उसमें कोई इशू नहीं हुई, बल्कि वो थोड़ा चैलेंजिंग था रैदर। बट टू बी ऑनेस्ट शुरुआत में हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे क्योंकि हमारी एक डिश ख़राब हो गई थी, बट हमने फिर उसको इनोवेटिव वे में एक दूसरे वे में प्रेजेंट करा हमारे डेजर्ट को। तो अब हमने शाही टुकड़ा विद रबड़ी सर्व करने वाले थे, बट हमने शाही टुकड़ा को एक वेस्टर्न लुक थोड़ा सा टच दिया है विद वनीला आइसक्रीम एंड रोज पेटल्स, तो आई थिंक जजेस को अच्छा लगेगा वो। जूरी मेंबर ने अपना फैसला ले लिया है कि कौन सा शेफ बेस्ट है, तो चलिए जानते हैं जूरी मेंबर से किस बार उन्हें क्या खास देखने को मिला, क्या खास टेस्ट करने को मिला। मेरे साथ शेफ वीटा सिंह जी है, उनसे जानते हैं कि यूनिवर्सिटी शेफ में क्या खास रहा आज, और क्या खास ऐसा टेस्ट मिला उनको जो पूरी जिंदगी याद रहेगी। मैम TV9 दिल्ली सर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो शेफ़ कंपटीशन हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये 6th सीज़न है जिसमें हम लोग हैं, और हम हर सीज़न में इसमें पार्टिसिपेट करते रहे हैं। एंड मैं ये जो ऑब्ज़र्व कर रही हूँ यहाँ पे कि बच्चों के अंदर कुकिंग के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चाह पैदा हो रही है, और एक ज़माने में इसको डोमेन माना जाता था जो लड़कियों के कब्ज़े में होता था किचन, पर आज मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है के जो नॉन कलिनरी बेस्ड बॉयज़ भी हैं, जो बीकॉम कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, बी
बीए कर रहे हैं कोर्स, उन लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के इनिशिएटिव लिया है और उनकी प्रोफेशनल नॉलेज में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। उनको मदर सॉसेस पता है, उनको रू क्या होता है वो पता है, उनको सारी इंग्लिश हर्ब्स पता है, और सिर्फ पता नहीं है उसका यूज़ भी मालूम है, जिसको उन्होंने बहुत खूबसूरती से इटालियन मैक्सिकन फूड में यूज़ किया है। सो इट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। अमित गोथवाल सर, मैंने नाम सही लिया? बिल्कुल सही लिया। सर, इस साल क्या आपको खास मिला यूनिवर्सिटी शेफ़ में देखने को, खाने को और टेस्ट करने को? देखिए, ये मेरी पहली विज़िट है यूनिवर्सिटी शेफ़ में, लेकिन जो मैंने यहाँ देखा, बच्चे होटल मैनेजमेंट के जो करते हैं, हम सालों साल से देखते आ रहे हैं, वो बहुत बढ़िया सीख लेते हैं 6 महीने में, 1 साल में, लेकिन ये बच्चे अलग अलग कोर्सेज से आए हैं, कोई बीकॉम कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट है, जो इनकी टेक्निक्स हैं, ये बहुत बढ़िया हैं। बच्चे मतलब एक्सपेक्ट करना एक वो था कि यार ये बच्चे इतना अच्छा कर पाएंगे, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया एंड ये कह सकते हैं कि होटल मैनेजमेंट वाले लेवल का भी किया। ज्यूरी मेंबर शेफ अश्वनी मेरे साथ है। शेफ, क्या रहा इस बार खास, क्या खास खाने को मिला, क्या खास स्वाद था इस बार? इस बार जो जैसा मैडम नीता मैडम ने अभी आपको बताया, फुल ऑफ फ्लेवर था प्लेट के ऊपर में, डिफरेंट कुजीन को ट्राई किया गया था, कुछ के प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे थे, कुछ के टेस्ट चौंकाने वाले थे, कुछ स्वाद ऐसा था जो हमें सोच में डाल दिया कि ऐसे कैसे प्रेजेंट किया गया। कॉम्बिनेशन ऑफ फूड अच्छा था, अच्छी तरीके से पेयर किया गया था, और सबसे बढ़ के ये था कि मैंने सब जितने भी पार्टिसिपेंट थे उनके चेहरे पे मैंने सिकन नहीं देखी, हौसला था और कुछ कर गुजरने का जज्बा था। कोई खास ऐसी डिश जो अभी भी आपको ध्यान है कि आज दिन बन गया वो खा के? आज के डिश में अगर मैं देखूँ तो सरप्राइजिंग मेरे लिए था कि मैं बिहार से आता हूँ तो मुझे लिट्टी चोखा मिला खाने के लिए। टीवी 9 दिल्ली एनसीआर पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने 2 दिन का कवरेज बहुत ही ज़ोर शोर से किया है और काफ़ी मतलब बच्चे एनर्जेटिक थे, बहुत ही एंथुसियास्टिक थे कल के टीवी 9 के कवरेज हो रहा है, और मैंने देखा हर सोसाइटीज़ का बच्चा जो है उसमें बढ़ चढ़ के आपकी जो है प्रोग्राम में शामिल था, मैंने ये देखा है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर दिस कवरेज, इट्स वेरी इलेबोरेट एंड आई रियली रियली फाइंड इट टू बी अ प्लेजर फॉर अस, यू नो that you guys have covered so elaborately. Sir, Delhi University का सबसे शांतिप्रिय इवेंट है ये, इसके पीछे राज क्या है? ये राज इसलिए हो पाता है कि एक कोऑर्डिनेशन जो हम करते हैं काफ़ी अलग अलग टीम से, उनके बीच बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है, फैकल्टी टीम है, वॉलंटियर्स है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो हम जिस तरीके से प्रमोट करते हैं और जिस तरीके से हम लॉजिस्टिक्स को संभालते हैं, वो एक कोऑर्डिनेशन वो बच्चे भी सीखते हैं उससे। और दूसरा ये है कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कहीं नहीं होता, पूरे डीयू के अंदर एकलौता कॉलेज है जहां ये कंपटीशन होता है। बहुत सिंपल ही इनकी चीज पर सिंपलिसिटी में जो स्वाद होता है वो इनके खाने Then I call, it starts with tea. Tofu, come. This is the tea from Tosa, right? It is nachos. मेरे साथ इस वक्त है श्यामलाल कॉलेज की यूनिवर्सिटी शेफ विनर खुशी कालरा। खुशी, कैसा रहा ये सफ़र? बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, एंड पहला ऐसा कंपटीशन था जिसमें इतना सारा मतलब एक्सपोजर मिला और मतलब काफ़ी सीखने को मिला। खुशी, आपकी टीम का नाम क्या था और आपने क्या बनाया था? हमारी टीम का नाम था नाचोस, जिसमें 2 जने थे, मैं और शिवानी। तो शिवानी तो अभी उसकी ट्रेन थी तो वो मतलब चली गई, अवेलेबल नहीं है वो यहाँ पर, बट हमने कल के स्ट्रीट फूड राउंड में हमने घाट की चाट बनाई थी जो कि वाराणसी की फेमस टमाटर चाट है। उसके अलावा फिर हमने नेक्स्ट राउंड जो कि मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज था उसके अंदर हमने शाही पनीर टाकोज बनाए थे। फिर आज का जो फन फूड था उसके अंदर हमने प्रेजेंटेशन पर काफ़ी ध्यान दिया था और सैंडविचेस बनाए थे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड जो कि क्यूजीन राउंड था उसके अंदर हमने बिहारी क्यूजीन चूज करके उसका फिर हमने लिट्टी चोखा
लिट्टी चोखा, खीर और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। लिट्टी चोखा ही आपने क्यों सेलेक्ट किया है बनाने के लिए? लिट्टी चोखा इसने सेलेक्ट करा क्योंकि ये बहुत ही ऑथेंटिक है, प्लस यहाँ पर मतलब जैसे दिल्ली में इतना कॉमन नहीं है, तभी हमने सोचा कि थोड़े उभरे हुए फ्लेवर्स को बाहर लाया जाए।